भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी का इलाज के दौरान एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि आपको कि सैनी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं पाए। आज उनकी पार्थिव देह को दिल्ली से जयपुर लाया गया, जहां भाजपा मुख्यालय में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद पार्थिव देह को सिक्कर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि सैनी एक बार भाजपा से विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य थे और लंबे समय तक पार्टी के अखिल भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े रहे सैनी सहज, सुलभ और आम कार्यकर्ताओं के साथ घुलने मिलने वाले व्यक्ति थे। उनकी छवि आम कार्यकर्ता की थी। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन पर पार्टी का ध्वज आधा झुकाया गया। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने स्वर्गीय सैनी को भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर दिवंगत आत्मा मदनलाल सैनी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यकर्ता के रूप में हमेशा संघर्ष किया है। हम उनके बारे में सुनते थे, एक दो बार मिलना भी हुआ जिंदगी में। वे बहुत ही शालीन, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। विश्वास भी नहीं होता। थोड़े से दिन पहले हम लोग प्रदेश कार्य समिति में किस तरह से साथ बैठे थे और सारे विषयों पर चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से हम सब लोग स्तब्ध। क्योंकि मदन जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यकर्ता से अपना जीवन शुरू किया और अध्यक्ष होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह से जुड़े रहे। सादगी का जीवन, सब लोगों के साथ मिलना जुलना और सबको प्रेम से साथ ले जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे आप बीच में आज नहीं है, इस बात का मैं दुख है। और वास्तव में वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे, कुशल संगठक थे। और आज अभी उनके इस दुख की घड़ी में तो कहता हूँ उनके परिवार को दुख के सहन करने की शक्ति प्रदान करें, बस हम सब के लिए बहुत ही शोक है। वो कार्यकर्ता ज़्यादा और नेता कम थे और समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे व्यक्तिगत रूप से आघात लगा है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस क्षोभ को सहने की शक्ति प्रदान करें।